दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों क्या आपको मालूम है सैटेलाइट क्या है, कैसे काम करते हैं? जैसा कि आपके स्क्रीन पर एक वीडियो दिख रहा होगा, इसी को सैटेलाइट कहते हैं, जो आसमान में हवा में उड़ता रहता है। आपने कई बार इसके बारे में जानने की कोशिश की होगी कि सैटेलाइट होता क्या है, ये हवा में कैसे टिके रहते हैं और सैटेलाइट कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, दैनिक जीवन में आप जितने भी काम करते हैं उनमें बहुत से काम ऐसे हैं जो किसी न किसी सैटेलाइट पर निर्भर हैं। फिर चाहे आप टीवी देख रहे हो या फिर टीवी पर मौसम का हाल देख रहे हो, अपने मोबाइल में जीपीएस नेविगेशन का इस्तेमाल कर रहे हो या फिर अपने दोस्त या घर वालों को विदेश में कॉल करके बात कर रहे हो, ये सभी काम किसी न किसी सैटेलाइट के भरोसे ही तो होते हैं। इस बात की पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, जिसे जानकर आप पूरी तरह से दंग रह जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। सैटेलाइट क्या है? इसे आसानी से समझे तो एक छोटा ऑब्जेक्ट जो अपने से कहीं बड़े ऑब्जेक्ट के चारों तरफ अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहा है, सैटेलाइट कहलाता है। इसे हम हिंदी में उपग्रह भी कहते हैं। इस हिसाब से हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला चंद्रमा भी एक सैटेलाइट है। लेकिन ये प्राकृतिक सैटेलाइट या उपग्रह है जो इंसान के हिसाब से नहीं चलता, लेकिन इसी से प्रेरणा लेकर इंसान ने अपने खुद के सैटेलाइट बनाकर उन्हें पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिए, जो हम इंसान के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आपको बता दें, मानव द्वारा निर्मित सैटेलाइट एक छोटे से टीवी के आकार से लेकर एक बड़े ट्रक के बराबर भी हो सकती है, यह इनकी साइज इनके काम पर निर्भर करती है। सैटेलाइट के दोनों तरफ सोलर पैनल होते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जिनसे उनको ऊर्जा यानी बिजली मिलती रहती है। वहीं इनके बीच में ट्रांसमीटर और रिसीवर होते हैं, जो सिग्नल को रिसीव या भेजने का काम करते हैं। इसके अलावा कुछ कंट्रोल मोटर भी होती है, जिनकी मदद से हम सैटेलाइट को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। इनकी स्थिति को चेंज करना हो या फिर एंगल चेंज करना हो, सब इन कंट्रोल मोटर के जरिए कर सकते हैं। इसके अलावा सैटेलाइट को किस काम के लिए बनाया गया है, वो ऑब्जेक्ट आपको सैटेलाइट में देखने को मिल जाते हैं। जैसे उपग्रह को पृथ्वी की इमेज लेने के लिए बनाया गया है, तो सैटेलाइट में बड़े कैमरे भी लगे होते हैं, या फिर स्कैनिंग के लिए बनाया गया है तो इसमें स्कैनर देखने को मिल जाएंगे। ये सब सैटेलाइट के कार्य पर निर्भर करता है। मुख्यतः उपग्रह को हम कम्युनिकेशन के लिए काम में लेते हैं, क्योंकि रेडियो और ग्राउंड वेब धरती के पूरे कम्युनिकेशन में काम नहीं आ सकते, इसलिए ज्यादातर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के काम के लिए किए जाते हैं। सैटेलाइट ऊपर कैसे टिके रहते हैं, ये तो आप जान गए होंगे कि सैटेलाइट क्या है या सैटेलाइट क्या होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि सैटेलाइट ऊपर हवा में कैसे टिका रहता है और ये धरती पर गिरता क्यों नहीं है। तो इसे लेकर बहुत सिंपल नियम है। जैसे अगर किसी चीज को अंतरिक्ष में रहना है तो उसे अपनी गति से किसी बड़े ऑब्जेक्ट का चक्कर लगाते रहना होगा। इनकी स्पीड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। इस नियम के चलते ही सारे उपग्रह हवा में ऊपर टिके रहते हैं। सैटेलाइट तीन कैटेगरी में बांटे गए हैं। लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, ये उपग्रह पृथ्वी की कक्षा के काफी पास होते हैं। इनकी ऊंचाई 160 से 1600 किलोमीटर तक होती है। ये काफी तेज गति से पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, इसलिए दिन में कई बार पृथ्वी के चक्कर पूरे करते हैं। ऐसे में इन्हें पृथ्वी को स्कैन करने में बहुत कम समय लगता है। इनका ज्यादातर उपयोग इमेज और स्कैनिंग के लिए किया जाता है। मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, ये वो उपग्रह होते हैं जब वो तेजी या स्लो स्पीड से चक्कर नहीं लगाते, ये करीब 12 घंटे में धरती का एक चक्कर पूरा करते हैं। ये उपग्रह किसी जगह से एक निश्चित समय से गुजरते हैं। इनकी ऊंचाई 10,000 किलोमीटर से 20,000 किलोमीटर तक होती है। इनका उपयोग नेविगेशन के लिए किया जाता है। हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, ये वो उपग्रह होते हैं जो धरती से बहुत दूर यानी 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। ये उपग्रह पृथ्वी की स्पीड के साथ पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, यानी ये उपग्रह अगर आपके ठीक ऊपर है तो वो हमेशा आपके ऊपर ही रहेगा। इन उपग्रह का उपयोग कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। अब आप जान गए होंगे कि सैटेलाइट क्या है, क्या होता है। इस वीडियो से आपको सैटेलाइट के बारे में काफी कुछ जानकारी मिल गई होगी। हमारी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की बात करें तो हर साल नई कामयाबियों को छू रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो अब तक करीब 100 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज चुकी है। बाकी वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।